कांग्रेस ने का घोषणा पत्र जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ, हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय कहाँ कहाँ, कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए, गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक का कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पिता कहते थे कि हम 1 रुपया पहुँचाते 15 पैसा पहुँचता। उसके उलट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा पैसा संबंधित हितधारकों को पहुँच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप स्पष्ट है कि ये केवल चुनाव की दृष्टि से कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि पूरा प्रदेश मोदीमय है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अलग बाहर एक हवा चल रही है, एक नई ऋतु का, खासकर राजनीतिक ऋतु, ये भाजपा को 400 पार की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।